हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर पहुंची थी एकता कपूर, यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर। ऐसे में अपनी ओल्ड बालाजी फिल्म के लिए निमृत कौर को उन्होंने एक फिल्म के लिए साइन किया। लेकिन जब से ये खबर मार्केट में आई कि प्रियंका की जगह निमृत को साइन किया गया है, तो दोस्तों बवाल मच गया था। लेकिन खबर असलियत में ये थी कि एकता ने नहीं बल्कि प्रियंका ने किया था एकता कपूर के ऑफर को रिजेक्ट। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि प्रियंका ने आखिर क्यों किया था एकता के ऑफर को रिजेक्ट, क्यों इसके पीछे की बड़ी वजह सलमान खान से जुड़ी हुई है, क्यों सलमान खान ने प्रियंका को कहा था कि एकता कपूर के ऑफर को रिजेक्ट कर दो। दोस्तों क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। But before that, do not forget to subscribe TV का पटाका। Well, दोस्तों प्रियंका चाह चौधरी को एकता कपूर की एंट्री से कुछ ही वक्त पहले सलमान खान द्वारा कन्फेशन रूम में बुलाया गया और सलमान खान की टीम ने एकता कपूर के बारे में प्रियंका को पहले ही बता दिया था और ये कहा था कि वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे अगर एकता उन्हें सिलेक्ट करती हैं तो। जिसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि सलमान खान उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते हैं। जी हाँ, और एक तरफ जहां सलमान खान हो तो आखिर प्रियंका के लिए तो साफ साफ हो चुका है कि वो किसे चुनेंगी। जी हाँ, सलमान खान के ऑफर को प्रियंका कभी नहीं ठुकराएंगी, इसीलिए उन्होंने इस बात को मान लिया। आपको बता दें, सलमान खान प्रियंका के साथ अपने फेवरेट शेरा के बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। जी हाँ, शेरा यानी कि सलमान खान का सबसे पुराना और सबसे खास बॉडीगार्ड, और उन्होंने वादा किया था शेरा से कि वो उनके बेटे को बॉलीवुड में खुद लॉन्च करेंगे और इसीलिए आने वाले फिल्म के लिए जिसमें शेरा का बेटा लॉन्च होगा उसकी हीरोइन बनाना चाहते हैं सलमान खान और किसी को नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी को। दोस्तों ऐसे में क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।